दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आएं हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं एक अहम खबर पर। जैसा कि आज से एक दो दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी ईदी बाजार के पास से, यानी ईदी बाजार में एक स्कूल है जिसका नाम है यूनिक स्कूल। वो स्कूल की टीचर का लड़का कुछ बदतमीजी कर रहा है, इस तरह की न्यूज हमने बनाकर आवाम के सामने पेश की थी, क्योंकि वो लड़के के ऊपर केस दर्ज हो चुका था और पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया था। खैर बहरहाल लड़के ने जो किया सो किया, और वहीं पर जो है पुलिस जो कर रही है सो कर रही है, पुलिस अपनी तहकीकात में मसरूफ है। इसके बाद पुलिस का जो भी काम होगा पुलिस बाखूबी निभाएगी। खैर हम आपको बताते चले, हमारे नाज़रीन को बताते चले कि यूनिक स्कूल एक 50 साल पुराना स्कूल है, हैदराबाद में एक नाम रखने वाला स्कूल है, क्योंकि हमने खुफिया तौर पर हमारे जानने वालों से इस स्कूल की तहकीकात की है। इस स्कूल के बारे में किसी ने भी हमको गलत नहीं बताया, क्योंकि एक नामवर स्कूल है। इस स्कूल से जो है कई लोग तालीम हासिल कर कर एक आला मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जिसने भी वो स्कूल में तालीम हासिल की है उन लोगों ने हमसे कहा कि बहुत ही अच्छा स्कूल है और बहुत ही साफ़ सुथरा स्कूल है। वैसे हम हमारे नाज़रीन से और आवाम से अदबन गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस किसी के भी बच्चे जो है यूनिक स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं उनको वहाँ पर तालीम हासिल करने दें, क्योंकि स्कूल के मैनेजमेंट की तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि एक टीचर का बेटा है, इस तरह से हमें सुनने में आया था, क्योंकि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमने ये न्यूज़ बनाई थी। खैर इसमें जो है स्कूल की कोई गलती नहीं है और ना ही कोई मैनेजमेंट की गलती है, और यहाँ तक कि हमें यूँ भी सुनने में आया है कि कुछ दलाली करने वाले रिपोर्टर्स वहाँ पर जाकर जो है कुछ मायदा करने लगे। खैर ये भी बहुत गलत बात है, मुबैना तौर पर हमें सुनने में आया है। हम सारी चीज़ों को जो है सबूत के साथ आपके सामने पेश करेंगे। वहीं पर फिर से एक बार अदबन गुजारिश करते हैं, क्योंकि मैं यूनिक स्कूल को तो बाहर से देखा हूँ, क्योंकि यूनिक स्कूल के मैनेजमेंट से और यूनिक स्कूल के किसी भी स्टाफ से मेरी कोई मुलाकात नहीं है और ना ही मेरी कोई पर्सनल उनसे मीटिंग हुई है, क्योंकि आवाम के दिलों में कहीं सवालात उठ जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी को सही साबित करने जाते हैं तो हम पर भी तोहमतें लग जाते हैं कि कहीं भाई आपकी कुछ मांडोली तो नहीं हो गई है, कि कहीं भाई आपने कुछ स्कूल से ले तो नहीं लिया है जिसकी वजह से आप स्कूल की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हम ये बात बता रहे हैं। हम स्कूल के मैनेजमेंट से किसी से भी हम मुलाकात नहीं की है और ना ही हम किसी को जानते हैं। हमने बैरूनी तौर पर बाहर वालों से इस स्कूल के बारे में मालूमात हासिल की, तो उसमें से यकीन जानिए कई लोग उसमें से तालीम हासिल कर चुके हैं, और कई लोग ने हमसे ये भी कहा कि उनके मिसेज जो है वहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं और वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इस तरह से कहा है। खैर 50 साल पुराना स्कूल है, एक नाम कमाने के लिए वक्त निकल जाता है, एक टाइम निकल जाता है जब जाकर कोई इंसान एक नाम कमाता है, तो यूनिक स्कूल भी जो है उसी तरह से एक 50 साल से मेहनत करते हुए आज ये मुकाम पर पहुँचा है। कहीं किसी की वजह से ये स्कूल का नाम ख़राब ना हो जाए, जिसके लिए हमने खुसूसी ये खबर बनाई है, क्योंकि स्कूल का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। आप यकीन जानिए बात इबादत के यानि बात मस्जिद के, अगर हम किसी का एहतराम करते हैं तो तालीमी इदारों का एहतराम करते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमारे बच्चे पढ़कर एक काबिल बनते हैं। तो बाद माँ बाप के उस्ताद का मुकाम होता है, एक स्कूल का मुकाम होता है, उस स्कूल को बदनाम करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। जितने भी बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उन सभी के माँ बाप से, उन पेरेंट्स से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि उसी स्कूल में तालीम हासिल कराइए, क्योंकि स्कूल बहुत ही अच्छा है, जिसमें कुछ लोगों ने जो है स्कूल में जाकर पैसों का डिमांड भी किया था कि आप पैसे दे देंगे तो हम ये न्यूज़ को वायरल नहीं करेंगे। गलत बात है, इस तरह के लोगों को भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम अदबन गुजारिश करते हैं, जितने भी ये दलाल किस्म के रिपोर्टर होते हैं जो जाकर DCP से मिलते हैं, टास्क फोर्स से मिलते हैं, CCS से मिलते हैं, कि भाई आप ऐसे लोगों से कोई रिश्ता ना रखें, क्योंकि ऐसे लोग जो है आप लोगों की ताल्लुकात की बुनियाद पर जाकर किसी को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर यूनिक स्कूल को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।